हेलो गाइस, आई एम नितिन शर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल वी विल सक्सीड पर, जहाँ पर हम लोग एक्चुअली में सक्सीड कर सकते हैं अगर हम मन और तन लगाकर पढ़ाई करें तो। धन भी लगेगा लेकिन वो टीचर से लगेगा। तो हमारी फ्री एजुकेशन देने की पॉलिसी जो है बहुत अच्छी है बाय द यूट्यूब। आप और भी चैनल्स को विजिट कर सकते हैं, बट मेरी पर्सनल राय, मेरी वीडियो देखें, मज़ा आएगा। तो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 9 एजुकेशन, टर्म 2 का चैप्टर नंबर 2। उस हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली टेक्स्ट के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन तब आता है जब हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, इसके अंदर हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर जब मशीनरीज का प्रयोग होने लगता है। अब मशीनरीज का जब प्रयोग होगा तो हमारी इंडस्ट्रीज में ऑब्वियस सी बात है रेवोल्यूशन आएगा ही आएगा। अब वो कैसे आएगा, किस हद तक आएगा, वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था, तो वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था वो सबसे पहली कंट्री जो थी हमारी ब्रिटेन के अंदर। इसमें ब्रिटेन, ये रही हमारी कंट्री ब्रिटेन, हियर इज आवर ब्रिटेन। तो अब हम चैप्टर के चालू करते हैं। व्हेन द इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी गॉट ट्रांसफर इन ब्रिटेन इन बिटवीन 1780s to 1850 कॉल्ड फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब आपको इस चीज से क्या समझ आया, डिफाइन से समझ में ये आया और आना भी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा बुक को शॉर्टिफाई किया है, उसके बाद में मैंने नोट्स डाले हैं वो भी स्टूडेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो इससे मुझे समझ आया कि इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, इंडस्ट्रीज का जो इकोनॉमी है वो हमारी ब्रिटेन के अंदर आई, ब्रिटेन के अंदर आई, ट्रांसफर हुई, आई, एक ही बात है। सो कब, 1750-80 से लेके 1850 तक, ये जो डेट है गाइस इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आप इस चैप्टर के डेट को भूल गए ये वाला, तो आपका ये चैप्टर आप जब भले अच्छे से याद किया हो, बट जो है कि जब आप हायर एजुकेशन पे जाएंगे, अपने यूपीएससी लेवल की एजुकेशन पे जब आप जाएंगे, तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो ये चीज अच्छी जाएगी जरूर जरूर जरूर। सो अब आप ये वाली समझ गए कि जब हमारी इंडस्ट्री जो ब्रिटेन के अंदर आई थी तो हमने उसको सबसे पहला फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला, सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसको बोला। अब आते हैं कि बाद में मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ कि लेटर ऑन चेंजेस इन यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज थी उनके अंदर क्या आया, चेंजेस आए। अब क्या कहाँ पे आए, जैसे कि ब्रिटेन तो है हमारी यूरोपियन कंट्री और एक यूएसए, यूएसए के अंदर भी आए। मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आईआर कर दिया है क्योंकि बार बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चैप्टर में रिपीट होगा, तो आप लोग इस चीज़ ध्यान रखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे आईआर करके लिख दिया है। स्प्रेड एट होल वर्ल्ड विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ट्रेडिशन। बाद में क्या हुआ कि जब यूरोपियन कंट्रीज में और यूएसए के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बातें पहुंची, खबरें पहुंची कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है एक्चुअली में, तो फिर जो है ये स्प्रेड करना चालू किया कहाँ, पूरी दुनिया में। अब देखो ये बात करती है जब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है, तो ब्रिटेन की कॉलोनी के होने के साथ साथ क्या है कि इंडिया के अंदर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन थी, तो उसने इसको एक्वायर कर रखा था, और एक्वायर करने के बाद में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से उनको कॉटन ट्रांसपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल ट्रांसपोर्ट करते थे, और क्लोथ्स भी ट्रांसपोर्ट करते थे, कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर। वो भी बहुत चीपेस्ट कॉस्ट, बहुत चीप कॉस्ट। तो इतनी समझ में अब आते हैं टॉइंग। अभी टॉइंग भी भाई सब क्या है, टॉइंग मतलब टॉइंग पॉइंट क्या लिखा है, टॉइंग भी एक इकोनॉमिस्ट है पहली बात। टॉइंग भी हुआ है हमारे, और हमारे यहाँ पे एस्टॉन, एस्टॉन और ये चीज जॉर्जस मैकबेथ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉप क्या कि टॉइंग कौन थे, टॉइंग थे इकोनॉमिस्ट, ही इज एन इकोनॉमिस्ट, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड गेव लेक्चर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने अपना एक लेक्चर दिया जिसमें भी उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फायदे क्या हैं, रेवोल्यूशन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फायदे क्या हैं। फायदे जैसे कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पैसा आएगा, मनी मनी पावर, मनी आई तो पावर भी आएगा, पावर आएगा तो डिफेंस बढ़ेगा, डिफेंस बढ़ा तो फिर कंट्री जो है हमारी हाइयर रैंक्स में हमारी कंट्री फिर काउंट की जाएगी एज अ मनी, एज इन पावर, एज इन एवरीथिंग, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं
कि जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको लेक्चर दिया, लेक्चर किसके ऊपर दिया था, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बारे में उन्होंने लेक्चर दिया। सो हिज बुक गॉट फेमस जिसका नाम था लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। उनकी किताब फेमस हुई, पर ये बड़ा खेद के साथ में कहना पड़ रहा है कि जब ये मर गए थे, क्योंकि बेचारे अपनी उस फेमस किताब को नहीं देख पाए और अपनी वाहवाही नहीं दे पाए, तो इनकी डेथ के बाद आफ्टर हिज डेथ इनकी किताब थी जो कि इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेक्चर के ऊपर थी, क्या थी वो, लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, वो किताब इनकी फेमस हुई, वो भी एक इकोनॉमिक बुक थी। अब मैनी इकोनॉमिक्स विद द एस्ट्रॉम सेलिब्रेटेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेन अ वेव ऑफ गैजेट्स स्वेप्ट इन इंग्लैंड। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, अब उनके नाम अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो फिर आप लोग कहोगे अरे यार ये कहाँ से आ गए इतने सारे नाम वगैरह, नहीं, तो इसलिए मैंने क्या है एस्टॉम, एस्टॉम ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, एस्टॉम एस्टॉम के साथ में हमारे जॉर्जेस पैकेट्स, इन कुछ कुछ मैंने नाम डाले हैं इस चैप्टर में, डेट्स बहुत सारी हैं, नाम बहुत सारे हैं, बट मैंने कुछ कुछ इसलिए डाले क्योंकि ठीक कर रहा हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा ना कि हमको ऐसे टिक लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ जो है सबसे मेन चीज़ है। इस टिक को हटा देते वरना आपको ध्यान इस टिक के ऊपर रहेगा। चलो तो अब इन्होंने सेलिब्रेट क्यों किया, पहली बात सेलिब्रेट आदमी कब करता है, जब वो खुश होता है या फिर उसकी किसी चीज़ में वृद्धि होती है तो आदमी सब तभी सेलिब्रेट करता है, जैसे कि आपका बर्थडे है, आपकी वृद्धि हुई, आयु हुई, ऐसा। तो एस्ट्रॉम विद मैनी इकोनॉमिस्ट क्यों सेलिब्रेट किया, क्योंकि टॉइनी ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है और इसके अंदर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की पावर बढ़ेगी, हमारी पावर के साथ साथ में हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे होते जाएंगे और जाते हैं, ऐसा होता भी है। जब पीएम मोदी हमारे सबसे पहली बार जब हमारे पीएम बने थे तो वो देश विदेश में ट्रैवल करते थे, लोग क्या बता रहे बेवकूफ है मोदी ये है वो, बट नहीं, मोदी जी ने अपने रिलेशंस बढ़ाए, रिलेशन बढ़ाने के साथ में वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे रिलेशंस बढ़ी, हमारी फ्रेंडशिप बढ़ी, हमारी अच्छी अच्छी जो है इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप अच्छी थी। ठीक है, तो इन्होंने सेलिब्रेट इसलिए किया क्योंकि इकोनॉमी जो थी ग्रोथ कर रही थी, तो इकोनॉमिस्ट को मतलब क्या होता है इकोनॉमी से, इकोनॉमी के बाद में फिर जो भी फैक्टर्स आते हैं फिर देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इकोनॉमी से क्या थी प्रेम था इकोनॉमी से, क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे तो इकोनॉमी से प्रेम हुआ, तो इसीलिए लोगों ने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट किस चीज़ का किया है, जब एक वेव, ऐसा नहीं कि वेव आ गई फर्स्ट वेव सेकेंड वेव कोरोना वाली वेव, नहीं 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 बहुत गलत सोच रहे हैं आप, वेव की गैजेट्स की वेव, मशीनरीज की वेव, टेक्नोलॉजीज की वेव, तो सेट इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में आई एक वेव एकदम आधी तूफान की तरह, जो इन्वेंशन पे इन्वेंशन हुए जा रहे थे कि कभी स्टीम इंजन बन गया, स्टीम इंजन के साथ में हमारा क्या बन गया, स्टीम इंजन और जो है कि मतलब कोल माइनिंग वगैरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अच्छी होने लगी, उसके बाद पावर जनरेटिंग कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में खोज होने लगी, तो जो है इकोनॉमी बढ़ने लगी, कोल इंडस्ट्रीज का जो है वहाँ पे कोल इंडस्ट्रीज जो है पाई गई, खदानें पाई गई कोल की, तो उससे क्या है कि इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, खुशी इस चीज़ की होती है कि अब हमारी कंट्री जो है अच्छी बनेगी और हमारी कंट्री में पैसा आएगा। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है कि ब्रिटेन ही क्यों, अब ब्रिटेन ही क्यों, देखो टेक्स्टुअल बेसिस पे क्या है ब्रिटेन ही क्यों, क्योंकि सबसे पहली कंट्री थी, किस चीज़ के लिए सबसे पहली कंट्री थी, टू एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सबसे पहली कंट्री दुनिया में जिसने कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किया। अब पॉलिटिकली स्टेबल थी भाई, पॉलिटिकली स्टेबल होगी कोई कंट्री तभी तो इतनी सारी चीजें हो पाएंगी, पॉलिटिकल स्टेबल ही नहीं है कि भैया हमने तो बना दिया तो बना होता है और अब ठीक है लेना ले जाओ नहीं तो नहीं चलता, पॉलिटिकली स्टेबल थी तो वहाँ पे क्या था कि चीज़ों को जो है लाना ले जाना ऊपर से उनके ऊपर जो फालतू के जो टैक्सेस लगते हैं वो कम हो गए, पॉलिटिकल स्टेबल और रोड टैक्सेस जो थे लिए जाते थे, सोचो उस समय रोड टैक्सेस
समय आप समझ सकते हो इनकी हालत, हालत खराब वाली नहीं बढ़िया वाली आ रहा है, इनकी हालत समझ सकते हैं कि रोड टैक्स के उस समय लेते थे इनकी सोच कितनी डेवलप्ड थी, इनकी सोच कितनी डेवलप्ड थी। अब उसके बाद में किंगडम हैड अ कॉमन लॉ फॉर ऑल एंड सिंगल करेंसी वाज यूज्ड। अब देखो पॉलिटिकल स्टेबल है, ठीक है। अब किंगडम जो है हैज अ कॉमन लॉ, किंगडम हैज अ कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ था जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि किसी आदमी ने दो रोटी खानी, किंगडम में लॉ डाल दिया दो रोटी खानी, अच्छा चोरी छुपे कोई कुछ भी करे पर दो रोटी मतलब दो रोटी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ना, तुम घर ले जाओगे ऐसा। सो फॉर ऑल एंड सिंगल करेंसी वॉज यूज। अब जो था कि पहले फ्रांस रेवोल्यूशन आपने टेंथ में चैप्टर नाइन्थ में चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंदर आपने ये पढ़ा होगा अब 30 करेंसीज जो थी यूज होती थी। अब उसमें क्या है चेकोबिन क्लब आया सब आने के बाद में जो है कि 28 करेंसी तब अबोलिश हो गई थी, बची हुई हो गई, तो अब ये सिंगल करेंसी यूज कर रहे हैं। अब सिंगल करेंसी यूज होने लगी तो उसका एक पॉजिटिव जो है इफेक्ट पड़ता है कि अब ये नहीं कि तुम गली के बाहर गए लाओ जी यहाँ पे पैसा चल रहा है डॉलर चल रहा है, तो इस समय पर आदमी की जेब में नोटों से भरी रहेंगी, आपको ऐसा नहीं कि हर जगह चल जाएंगे ऐसा नहीं। सो उसके बाद अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सिंगल करेंसी यूज होती है, स्टेबल पॉलिटिकल स्टेबल है पॉलिटिकली, रोड टैक्सेस लिए जाते हैं फर्स्ट कंट्री एक्सपीरियंस करने के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इसका जो है अफेक्ट क्या पड़ता है इसका रिजल्ट कि जो वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ के जो डेली वर्कर्स हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं या फिर जो मंथली बेसिस पे काम करते हैं अब उनका उनको एक चीज़ बहुत अच्छी मिलने लगी। क्या मिलने लगी वो सैलरी, क्या मिलने लगी सैलरी, जो उनकी इनकम थी उसकी इनकम को सैलरी के रूप में उनको दिया जाने लगा। अब पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम टाइप चल जाता था कि तुम हमारे यहाँ काम करो हमको इतना अनाज दे, बट नहीं और वहाँ पर जो है सैलरी कहीं हो जाता। अब कब एंड ऑफ 17th century 17वीं शताब्दी का जब एकदम एंड होने वाला था तो उस समय जो है इन लोगों को सैलरी दी जाने लगी थी एज अ सोर्स ऑफ इनकम एज अ मीडियम ऑफ इनकम को सैलरी। अब क्या है 18th सेंचुरी में क्या होता है ये अर्ली 18th सेंचुरी डेट है बट मैंने 18th सेंचुरी डाल दिया क्योंकि जो टेक्सचुअल पेपर जो होते हैं जिसके अंदर हमको लिखना पड़ता है तो उसके अंदर क्या होता है कि हमको डेट्स की मायने नहीं रखती है, बहुत मेजर डेट्स जो हैं वो मायने रखती हैं जैसे कि 1780 डेट मायने करती है। अब इसमें अर्ली 18th में क्या हुआ कि मेजर इकोनॉमिक चेंजेस है, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया मेजर इकोनॉमिक चेंजेस तो आनी ही नहीं ऑब्वियसली बात है आए। एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया भाई, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन कैसे आया कि अब देखो लैंडलॉर्ड्स को दिख रहा था कि अब इकोनॉमिक आने वाली है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो आने वाली है, इकोनॉमिक बढ़ने वाली है, तो उन्होंने क्या किया जो स्मॉल फार्मर्स थे बेचारे के घर में स्मॉल फार्मर भगवान तो तुम्हारे ऊपर चल रहे हो पूरे मंडल डाल देना भगवान वो वाले फार्मर्स हो गए उन लोगों से लोगों ने कौन है लैंडलॉर्ड्स लैंडलॉर्ड्स तो स्मॉल फार्मर्स थे स्मॉल फार्मर का जो उन्होंने लैंड लिया एंड सेट इट एज कॉमन लैंड। अब ये बताओ कि तुम्हारा घर 100 गज का है, ठीक है। अब 100 गज के बगल में एक पड़ोसी का घर है, तुमने उसका भी ले लिया, इस वाले पड़ोसी का इसका भी ले लिया, लाओ भैया अब हम तो रख के बैठे अब तो ये हमारे घर है, हमारा ही तो होगा, तुमने पैसे उनको दिए दिए उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर दिया कि पैसे दो घर दो ऐसे लो और घर दो, तो ऐसे करके फिर हम उसको हमने एक ही घर बोलेंगे उसको, ऐसा नहीं कि दूसरा घर तीसरा ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ज्वाइंट हो गया है। ऐसे ही देखो फार्म्स में बाउंड्री होती नहीं है, होती भी है तो नॉर्मल सी मैट जैसे जिसको हम बोलते हैं हमारे इंडिया में मैट बोलते हैं उसको, तो उसको जो है तोड़ दिया जाता है उसको जो है मिला लिया जाता है एक कॉमन लैंड उसको घोषित कर दिया।